कहाँ जा रहा है बे? बाहर थोड़ा रेस्ट कर लो, वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। सो गाइस, मैं अभी जस्ट बाहर जा रहा हूँ और आप लोगों को थोड़ा माहौल दिखाता हूँ कि कैसा है हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू, कोई बाहर निकल रहा है या नहीं, और कितनी भीड़ है, पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है या फिर नहीं। सो गाइस, अभी कुछ ज्ञानी लोग आकर कमेंट में लिखेंगे, अबे साले, तू बाहर क्यों गया था? किसने बोला तुझे बाहर जाने? क्या करने तू बाहर गया था? तो उनको लिखने दो और मैं आपको बताता हूँ कि मैं बाहर क्यों जा रहा हूँ। दरअसल आपको मेरी वीडियो में सुनने को मिला ही होगा कि मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है और अभी भी है, और आपने शुरू में वीडियो देखा होगा कि मैं लंगड़ा कर चल रहा था, तो मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे जस्ट रोड पर एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से मैं कुछ मेडिसिन लाने बाहर जा रहा हूँ। तो चलो आपको बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं, मैं फालतू में बाहर नहीं गया था और आप भी फालतू बाहर मत निकलना। तो चलो तो गाइस, ये रहा मेरा घर और यहाँ से चलते हैं, थोड़ा रोड पे चलकर आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा नज़ारा। पीछे पूरा सन्नाटा, मैं भी अपने दरवाजे पर हूँ और ये मैं नीचे उतरा। तो गाइज, एज यू कैन सी, बस 1 मिनट का रास्ता है मेरे घर से और मेडिकल स्टोर का, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगर आपके यहाँ दूर है और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ आप मत जाना घर से बाहर। और यहाँ देख लीजिए आप, कितना सन्नाटा है। और ये बगल में हॉस्पिटल है, सामने जानवर हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, और ये रहा जो मेडिकल यहाँ खुला हुआ है, यही है वो मेडिकल स्टोर। और देन देख सकते हैं कितना सन्नाटा है रोड पे। और यहाँ बगल में पूरा थाना कोतवाली है, बहुत बड़ा से हमारे घर के पास में ही है। और इसके इस साइड पर पुलिस अपना इंतजाम करे बैठी हुई है, जो जा रहा है उसके मार रही है, पूछ रही है भैया कहाँ जा रहे हो। सो बस गाइस, चलो दवा लेते हैं और हम वापस चलते हैं अपने घर। सो गाइज, अभी मैं वापस आ चुका हूँ और कुछ मैंने ऐसा देखा बाहर जो मैंने इंटरनेट पर भी देखा था, तो उसके बारे में आपसे थोड़ा बात करते हैं। चलो और गाइस, मैं इंटरनेट पर कुछ वीडियो देख रहा हूँ जो कि लोग बाहर जा रहे हैं, पुलिस वाले को गाली दे रहे हैं, पुलिस वाले से लड़ रहे हैं। तो यार क्यों ऐसा कर रहे हो? वो हमारी सेफ्टी के लिए तो है, बात सिर्फ तुम्हारी होती तो नहीं, जाओ घूमो बाहर अकेले आराम से घूमो, लेकिन यार तुम्हारी फैमिली तुम बाहर से लेकर आओगे, अंदर अपने घर में दोगे, तो तुम्हारी पूरी फैमिली रिस्क में है तुम्हारी वजह से, जो बाहर घूम रहे हैं उनकी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली रिस्क में आ जाएगी। तो यार कुछ शर्म कर लो यार, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलो, ऐसे मत निकलो। एक मूवी आई थी जय हो, उसमें देखा था कैसे तीन तीन लोग की मदद करके वो बात करोड़ों में फैल जाती है, सिर्फ तीन लोग की मदद करना होता था कि हाँ तीन लोग की मदद करो, आगे उनको बोलो वो तीन लोग की मदद करें। तो सिर्फ सलमान खान ने ऐसे करके करोड़ लोगों को इकट्ठा कर लिया था, मतलब करोड़ों तक अपनी बात पहुंचा देती मदद करने वाली। तो यहाँ सोचो, हम तो सिर्फ एक आदमी को नहीं छूने वाले हैं, जब तीन आदमी को नहीं छूने वाले हैं, हम 10, कोई 10 को छुएगा, कोई सिर्फ एक को छुएगा, कोई 100 को छुएगा। और मान लो अगर वो एक इन्फेक्टेड हुआ तो उसने एक को छुआ, एक ने तीन को छुआ, तीन ने 10 को छुआ, 10 ने 100 को छुआ, 100 ने फिर मान लो एक को छुआ, फिर एक ने ऐसे छुआ, सोचो कितने लोगों में फैल जाएगा यार यार ये वायरस। तो यार प्लीज 21 दिन घर पर रह लो, और आपके पास मौका है कुछ सीखने का, कुछ अच्छा सीख लो, यूट्यूब पर वीडियो बना लो, टिकटॉक पर वीडियो बना लो, तो कुछ करो यार। लेकिन बाहर क्यों जाना, सिर्फ ये देखने कि बाहर कौन कौन निकला हुआ है चलो देख कर आते हैं, या पुलिस किसे मार रही है चलो ये देख कर आते हैं, सिर्फ ये देखने बाहर जाते हो? तो प्लीज यार मत जाया करो।